फिर आप देखो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेट्रोसिडासिटी। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या है कि जैसा ब्लू हम प्रूफ करेंगे, बेसिकली ब्लू मींस बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स प्रूफ करेंगे कि हेट्रो होने के बाद भी अगर आपके मॉडल में हेट्रोसिडासिटी की प्रॉब्लम है उसके बाद भी हमारा जो एस्टिमेटर्स हैं वो ब्लू प्रूफ होते हैं या नहीं। ठीक है, अब हम पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे अनबायसनेस वाली, कि हम कहेंगे प्रूव करेंगे जो एस्टिमेट्स हैं मॉडल में हेट्रोसिडासिटी होने के बावजूद भी क्या है अनबायस्ड है। ठीक है, ये प्रूफ करेंगे हम। तो हम फर्स्ट लेकर चलते हैं, हम कहते हैं अगर गिवन मॉडल हमारा ये है वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस यू आई, ये हमारा क्या है रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। इसमें हम कहते हैं अगर हमने अप्लाई करा ओएलएस, अब हम कहते हैं बीटा वन की आपको वैल्यू पता है, बीटा वन हैट की मीन्स दिस एस्टिमेटर की वैल्यू क्या होती है, समेशन एक्स आई वाई आई स्मॉल एक्स आई स्मॉल वाई आई समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब देखो एक चीज याद रखनी है आपको, इस वाई आई को कन्वर्ट करना है हमें किसमें, एक्स आई में। ठीक है, क्यों करना है हमें, कि हम कह रहे हैं इस पूरे मॉडल को हम एक वेरिएबल में बना देंगे, इस पूरे टर्म को हम सिर्फ एक्स की टर्म्स में रखेंगे, बाकी एक्स वेरिएबल की टर्म्स में रखेंगे, वाई को हम रिप्लेस कर देंगे विद एक्स आई एंड यू आई। यू आई तो चाहिए क्योंकि यू आई से हम प्रूव करेंगे क्या, यू आई तो हम क्यों, क्योंकि हम यही शो करेंगे कि एरर टर्म का जो वेरियंस है वो क्या है इज नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब हम कहते हैं वाई आई को रिप्लेस कैसे करें, अब आपको पता है वाई आई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, वाई आई पहले वाई देखो हमें पता है स्मॉल वाई आई की वैल्यू क्या है, वाई आई माइनस वाई आई बार। अब वाई आई हमें वाई आई की वैल्यू हमें पता है बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस यू आई, और वाई बार की अगर हम कह रहे हैं इसी इक्वेशन का हम वाई बार निकालेंगे एक बार अलग से देखते हैं, तो बीटा नॉट का बार इज बीटा नॉट ओनली, तो ये जाएगा बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई का मीन, तो एक्स बार प्लस यू आई का मीन यू बार। अब इसमें से हम ये माइनस कर दें अगर इक्वेशन माइनस, यानी कि ये पूरा वाई बार ये वाई, तो माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स बार माइनस यू बार। अब बीटा नॉट से बीटा नॉट कैंसिल, बीटा वन हमने कॉमन ले लिया, एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस यू आई, और यू बार हमें पता क्या होता है, यू बार हमें पता क्या होता है जीरो, हमें पता है मीन ऑफ एरर टर्म इज, मीन ऑफ एरर टर्म इज जीरो। तो खाली आपको क्या बची है वाई आई की वैल्यू क्या बची है आपकी, इसको और भी लिख सकते हैं हम बीटा वन स्मॉल एक्स आई प्लस यू आई, ये आपका क्या बच गया स्मॉल वाई आई। ठीक है, अब हम देखिए या अगर आपने यहाँ वैल्यू लिखी ब्रैकेट्स को खोला, ठीक है यहाँ पर हम कह रहे हैं समेशन एक्स आई स्क्वायर बन गया, ये भी ऊपर भी समेशन एक्स आई नीचे भी, ये कैंसिल बीटा वन ये चीज बन गई। अब हम कहेंगे हमने एक्सपेक्टेशन लगा दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाई हमने कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन इज बीटा वन ओनली प्लस बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म है प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन एक्स आई यू आई एक्सपेक्टेड समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब देखो समेशन एक्स आई यू आई आपने जब स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज की थी, जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने तीन चार प्रॉपर्टीज की थी तो उसमें हमने बोला था ये चीज हमने प्रूफ की थी, ये क्या आती है जीरो। अगर आप यहां से ऐसा नहीं प्रूव कर सकते तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको समेशन एक्स आई ई यू आई, वो ट्राई करना वो वाली चीज बेटर है कि ये पूरा ही हमने प्रूफ किया था जीरो। अभी मेरे पास नोट्स नहीं है तो आप अपने नोट्स चेक करेंगे, स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज थी काफी, बिल्कुल हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था सिंपल लीनियर रिग्रेशन में यू आई की ई आई की प्रॉपर्टीज कुछ की थी तो ये हमने प्रूव किया था जीरो। अदरवाइज अगर याद ना आए तो आप सिंपल ये लिख सकते हो समेशन एक्स आई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई और ये क्या होता है जीरो, तो ये वाली पूरी टर्म क्या बन गई जीरो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल्स टू बीटा वन, हेंस प्रूफ कि बीटा वन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, बीटा वन हैट इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन। ठीक है।